राजधानी का मौसम एक बार फिर करवट लेगा। 22 जनवरी से 3 दिन तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के उत्तरी इलाकों में बारिश होगी, वहीं कई इलाकों में वज्रपात के साथ ओलावृष्टि भी होगी। 23 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत राज्य भर में ओलावृष्टि के साथ बारिश भी होगी। बारिश के बाद तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन लोगों को ठंड का एहसास होगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि सामान्यतः 14 जनवरी के बाद तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार वेस्टर्न इफेक्ट और साइक्लोन के कारण मौसम बदला है। ऐसे में ठंड का कहर अभी जारी रहेगा। बारिश देखने को मिल सकती है, बाकी झारखंड के क्षेत्रों में आंशिक बादल से लेके गहरे बादल देखने को मिल सकते हैं। और 23 और 24 में राज्य में कुछ कुछ भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है, साथ में गर्जन वज्रपात और एक आध जगह पर ओलावृष्टि की भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। खासकर बात करें तो उत्तर उत्तर पूर्वी तथा मध्य भागों में इसकी संभावना जताई जा रही है। और बात करें तो फिर 25 तारीख से जो मौसम है वो साफ होने लगेगा और 26 से बिल्कुल ही साफ हो जाएगा, और जो बारिश है वो 25 तारीख से बारिश में एकदम कमी आ जाएगी और 25 तारीख से मौसम शुष्की रहेगा सुबह में, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने के बाद में कोहरे की स्थिति रहती है सुबह में, सुबह में आपको कोहरा देखने को मिलेगा। और बात करें न्यूनतम तापमान की तो आने वाले जो 3-4 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की। और 22 और 23 तारीख से जो दिन का तापमान है, क्योंकि हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है और बादल भी घेरे रहेंगे, तो थोड़ी सी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और अभी आने वाले 1-2 दिन में हल्के दर्जे का जो कोहरा है आपको कुछ कुछ जगह में आने वाले 1-2 दिन में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।